I'm Ashfaq Ahmed. I hail from a small village of district Matiari. I did my matriculation, my education up to matriculation was from my hometown. Then I did my intermediate from a private college in Hyderabad. Finally, I completed my studies in Bachelor of Engineering in the Department of Civil Engineering from Mehran University of Engineering and Technology. I qualified CSS 2022. And I was allocated an information group. Then I also qualified CC 2020 and I was allocated in Sindh Police as DSP. सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं पहले जो है हमेशा मेरा ड्रीम रहा है कि पाकिस्तान को या लोगों को सर्व करूँ. इसलिए मैंने जो है पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि CSS करनी है. तो मैंने जब इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी मेहरान यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया तो वहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में मुझे लगा कि दिस इज़ नॉट फॉर मी. तो मैंने वहाँ पे डिसाइड किया कि मुझे CSS करना है या मुझे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जाना है. मैंने यूनिवर्सिटी के थर्ड ईयर में CSS की प्रिपरेशन शुरू की. जो मैगज़ीन्स होते हैं वर्ल्ड टाइम्स के मैगज़ीन होते थे तो मैं लाइब्रेरी में जाके उनके इंटरव्यूज़ पढ़ता था. उससे मुझे आइडिया हो गया कि वाट इज़ CSS, हाउ टू डू इट एंड वाट आर द रिक्वायरमेंट्स टू डू CSS. तो मुझे पता चला कि मेन जो इशू है जो कैंडिडेट्स फेस करते हैं दैट इज़ एक्सप्रेशन. इंग्लिश एक्सप्रेशन अगर कैंडिडेट्स की बेहतर है तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए आसान है, उनके लिए CSS या PMS या कोई भी एग्ज़ाम पास करना आसान हो जाता है. और चैलेंजेस की जब तक बात है तो चैलेंजेस में सबसे ज़्यादा वही है कि इंग्लिश पे जो है बहुत वीकनेसेस होती हैं कैंडिडेट्स की. उनकी एक्सप्रेशन सही नहीं होती, उनकी क्रिएटिविटी क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी नहीं होती, उनकी डेप्थ में और ब्रॉडर रीडिंग नहीं होती. तो कैंडिडेट्स के लिए सबसे बड़ी चैलेंजेस यही होती हैं कि इंग्लिश के लिए इंग्लिश एक्सप्रेशन होनी चाहिए, उनकी जो है क्रिएटिविटी क्रिटिकल थिंकिंग, और फिर आपकी जो स्टेमिना भी होनी चाहिए कि आप जो है एक 12-10 घंटे बैठ के पढ़ सकें. तो दीज आर द थिंग्स, दीज आर द चैलेंजेस दैट कैंडिडेट्स फेस. डान पढ़ना शुरू की तो मैंने शुरुआत में तो डेली डान लेता था, लेकिन मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे समझ नहीं आ रही डान. तो मैंने फिर जो एडिटोरियल ओपिनियन पेजेस थे डान के वो कलेक्ट कर लिए एक महीने के 20-25 दिन के. तो वो फिर मैं पढ़ता था रिपीटेडली, उनको मैं देखता था और वोकेबलरी पे काम करता था. उनकी एक्सप्रेशंस जो होती हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं अपने कैंडिडेट्स को सजेस्ट करता हूँ दैट इज़ एक्सप्रेशन. तो जो एक्सप्रेशंस हैं जो आपके एक्सपर्ट लिखते हैं डान में तो वो आपने नोट करनी होती है. एक्सप्रेशंस अब क्या क्या होती हैं कि वो आपकी कॉम्बिनेशंस होती हैं, जैसे वर्ब एडवर्ब, वर्ब वर्ब कॉम्बिनेशन, एडवर्ब एडवर्ब कॉम्बिनेशन, एडजेक्टिव नाउन कॉम्बिनेशन. तो इस तरह की जो एक्सप्रेशंस हैं वो आपने नोट करनी होती हैं. और दूसरा रिपीटेडली पढ़ना होता है. आप रिपीटेडली पढ़ेंगे उस पर जो है सिनोनिम एंटोनिम, कोई अच्छी सी डिक्शनरी जैसे मेरियम वेबस्टर है उसको ऑफलाइन उसकी वर्जन आ जाती है तो उसको डाउनलोड करके रख दें मोबाइल में. तो वहाँ से मैं सिनोनिम एंटोनिम लिख देता था. उधर ही जो आपके ओपिनियन और जो आपके एडिटोरियल पेजेस हैं वहीं पर ही मैं उनके सिनोनिम एंटोनिम लिख देता था. और जो एक्सप्रेशंस थी जैसे कोई मुझे एक्सप्रेशन अच्छी लगी कि ये ऑथर ने बहुत अच्छे वर्ड्स यूज़ किए हैं तो मैं उसको एक अलग से कॉपी में उतार देता था और उसको फिर लाउडली पढ़ता था. कैंडिडेट्स को यह भी सजेस्ट करता हूँ मैं कि वो लाउडली पढ़ें जाके. जो डान के एडिटोरियल अगर पढ़ रहे हैं 7-8 बार पढ़ रहे हैं तो एक बार दो बार तक कम से कम जो है उसको लाउडली पढ़ें. दिस इज़ नॉट जस्ट माई सजेशन, लेकिन आपका जो सैयद सादत अली शाह है उसका बुक है एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश जो बहुत अच्छा है. उसके जो एसेज़ हैं उसके जो एंड में लिखे हुए हैं तो वो भी एक आपके लिए मॉडल होना चाहिए. इस तरह की एक्सप्रेशंस होनी चाहिए. लेकिन एक वही सजेशन सैयद सादत अली शाह देते हैं कि जो है आपको रिपीटेडली पढ़ना चाहिए और आपको लाउडली पढ़ना चाहिए. मैं समझता हूँ कि एसे के लिए जिस तरह से अदर्स बाकी सब्जेक्ट्स के लिए गाइडेंस बहुत मैटर करती है और गाइडेंस सिंपली आपको मिल जाती है क्योंकि FPSC ने इंश्योर किया हुआ है कि सबको जो है यूनिफॉर्म अपॉर्चुनिटी मिले. तो उसमें फिर उनके लिए सिलेबस भी पड़ा हुआ है उनकी वेबसाइट पे. उसके अलावा उनके जो एग्ज़ामिनर रिपोर्ट्स हैं 2014, 2016, 2017
तो कोई 5-6 साल के एग्जामिनर रिपोर्ट्स पड़े हुए हैं डिटेल्ड वे में, तो उसमें जो है पूरा एक डिटेल मैनर में एग्जामिनर्स ने बताया हुआ है कि कैंडिडेट्स ने कौन सी गलतियां की है और हमें क्या चाहिए, हमें कौन सी क्वालिटी चाहिए। इसी तरह से एक FPSC ने अपलोड किया हुआ है एक एसे पर एग्जामिनर रिपोर्ट, उस पे जो एग्जामिनर्स हैं उन्होंने रिव्यूज़ दिए हैं कि ऐसे जो आइडियल है वो किस तरह होना चाहिए और उस जो कैंडिडेट्स गलतियां करते हैं वो कौन सी गलतियां होती हैं ज़्यादातर, तो उन पर फोकस करके उन पर वर्कआउट करना चाहिए। जिस तरह से आपका एग्ज़ाम में वैसे भी पेपर जब आता है, आपका क्वेश्चन पेपर आता है, तो उसमें मेंशन होता है कि द क्रेडिट विल बी गिवन फॉर क्लैरिटी, कोहेरेंस एंड रिलेवेंस। तो ये चीज़ें कैंडिडेट्स को इम्प्रूव करनी चाहिए, इन चीज़ों पे वर्क करना चाहिए। आपकी जो है क्लियरिटी और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपकी आउटलाइन में शो हो जाती है, आपकी थीसिस स्टेटमेंट में शो हो जाती है, आपके इंट्रोडक्शन बहुत मैटर करता है। आपकी आपको ऐसे में पास होना है या फेल होना है, दिस इज़ जस्ट डिसाइडेड बाय योर इंट्रोडक्शन एंड आउटलाइन, एंड थीसिस इज़ आल्सो इंक्लूडेड विद इन द इंट्रोडक्शन एंड आउटलाइन। मैं समझता हूँ कि जो आपके न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स हैं वो आपके लिए ओपिनियन बनाने के लिए तो अच्छे हैं, लेकिन उसके लिए अलग, आप अगर आप कोई टॉपिक तैयार कर रहे हैं तो उसके लिए अलग से रिसर्च करनी चाहिए। आपकी डॉन या कोई भी न्यूज़पेपर जो है इनफ नहीं होती। दूसरा ये है कि आप जब उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं तो फिर आप फैक्ट्स फिगर्स में लगे रहते हैं, आपकी जो मेन चीज़ है ओपिनियन बिल्डिंग है न्यूज़पेपर का, वो जो पर्पज़ है वो फिर कंप्रोमाइज़ हो जाता है। तो आई सजेस्ट के गूगल पे जाके रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ें कैंडिडेट्स। दूसरा ये कि थिंक टैंक्स और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है, जिस तरह से IPRI है, IPI है, तो इस तरह से बहुत सारे इवन अराउंड अ डजन ऑफ पॉलिसी एंड थिंक टैंक्स इंस्टीट्यूट्स आर देयर इन पाकिस्तान, तो उनकी जो है रिसर्च है उसको देखना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए थॉरली, उसको फॉलो करना चाहिए रेगुलरली। और IMF जो जिस तरह के वर्ल्ड के जो आपके इदारे हैं उनकी भी जो रिसर्च है, उनकी जो रिपोर्ट्स हैं उनको भी फॉलो करना चाहिए। इस तरह से एक थीम बेस्ड तैयारी होनी चाहिए, ऐसे कि जिस तरह से एजुकेशन एक थीम है तो जेंडर स्टडीज़ एक थीम है या फेमिनिज्म एक थीम है। आपका फेवरेट थीम्स ये हैं, आपकी एजुकेशन, जेंडर स्टडीज़ या फेमिनिज्म, आपकी डेमोक्रेसी, आपकी डिजिटल रिवॉल्यूशन या AI का आजकल जो दौर चल रहा है उसके ऊपर सवाल आ जाता है, आपकी इन्वायरमेंट है। तो इस तरह के आपके जो थीम्स हैं उन पे आपकी अच्छी सी रिसर्च होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो है सबसे ज़्यादा सबसे मुश्किल चीज़ जो कैंडिडेट्स को फेस होती है कि वो किस तरह से अपने आप को जो है मोटिवेट रखें, अपनी जर्नी में जो है स्टेड फास्ट रहें। तो उसमें सबसे बड़े ऑब्स्टिकल्स ये आते हैं कि आपके ऑब्जेक्टिव्स जो आपने शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स बनाए हुए होते हैं तो वो आपके कंप्लीट नहीं हो रहे होते। तो यू शुड अंडरस्टैंड दैट नो वन डज दैट इन CSS। अगर आपका कोई किसी से भी पूछें जिसने क्वालिफाई किया है तो उनको सारे ये चैलेंजेस फेस होते हैं कि वो अगर एक सब्जेक्ट है 15 दिन में उनको तैयार करना है तो 15 दिन में होता नहीं है, 20 दिन में, 20 दिन इवन पास हो जाते हैं तो उनके 25 दिन। तो आपके ऑब्जेक्टिव्स एक तो कंप्लीट नहीं हो पाते, दूसरा ये कि आपको फेथ रखना चाहिए, यू मोस्ट ऑफ अस बिलीव इन अल्लाह अलमाइटी, तो इस बात पर यकीन रखना चाहिए कि वन डे आवर हार्ड वर्क विल पे ऑफ। तो इस चीज़ पर यकीन रख के आगे चलना चाहिए। और जो है आपको मैं सजेस्ट करता हूँ कि अब मैं तो नमाज़ भी पढ़ता था अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं भी करता था, तो आई हैड दिस कन्विक्शन दैट आई बी पास वन डे, आई सी माय एफर्ट्स इन द फॉर्म ऑफ सक्सेस। तो मुझे वो सक्सेस मिली अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा ये कि आपको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि द जर्नी मैटर्स, द जर्नी इज़ वाट गिव्स यू जॉय रादर देन योर डेस्टिनेशन। तो ये चीज़ें आपको जहन में रखनी चाहिए।